तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका आप लोग न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज आज का वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो गाइज आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले गाइज यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको 9 रेशियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद गाइस अब आपको क्या करना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, ठीक है। और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से क्या करना होगा गाइस, आपको कोई भी एक फोटो को ले लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके आप इसको जो अपने फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस PNG पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस इस तरह से आपको ये जो है एक ही इमेज को यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, ठीक है। और यहाँ पर आके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने इमेज को क्रॉप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप बैक आ जाना, उसके बाद प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे चल जाना गाइस, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सीएक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट। तो दोनों को ईजिली डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको सबसे पहले बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको जैसे ओपन करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ग्रीन लेयर दिखेगा और बाकी आगे में बीट दिख जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने ग्रीन लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर कलर एंड फिल पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ ऊपर से आपको क्या करना है, अलाइट मोशन को सिलेक्ट कर लेना है। और जो भी फोटो आप क्रॉप करके रखोगे वो अलाइट मोशन में आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फोटो पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका ये फोटो कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना फर्स्ट बीट की तरफ, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और अब आपको क्या करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो भी फोटोस आप वीडियो को बनाना चाहते हो। उसके बाद आप अपने सिंपली फोटो पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, फिर नेक्स्ट बीट पे आना, फिर यहाँ से ट्रिम कर देना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर कोई अपने दूसरे फोटो को सिलेक्ट करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर नेक्स्ट बीट पे आकर ट्रिम कर देना। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपने फोटोज़ को जो है पूरा एंड तक ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर अपने सारे इमेजेस को ऐड करना है। सो फाइनली गाइस आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पूरा इमेजेस जो है कुछ इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको भी इमेजेस को इस तरह से ऐड कर लेना है। अब आपको क्या करना होगा गाइस, आपको सिंपली आपको बैक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप जैसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो आप थर्ड इमेज है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। थर्ड इमेज पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट करना, उसके बाद आपको बैक आ जाना है और अपने बीटमार प्रोजेक्ट पे चल जाना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने फर्स्ट बीट की तरफ आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बीट की तरफ आना है, और यहाँ से क्या करना है कि जहाँ पर आपका डबल बीट मार्क दिख रहा है उसके बाद जो इमेज है वहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसका गाइस कुछ इसी तरह से आपको फिर आपको आगे आ जाना है, फिर यहाँ पर देख सकते हो ये आपका डबल बीट मार्क है ऊपर में यहाँ पर, उसके बाद जो ये इमेज है इसमें इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो गाइस कुछ इसी तरह से ये जो वाला इफेक्ट जो है इस तरह से आपको पूरा एंड तक ऐड करना है, ठीक है। फिर आपको आगे आना, फिर देख सकते हो डबल बीट मार्क है आपका, वहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है सिंपली। फिर आपको आगे आना, फिर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको गाइस यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो फिर हम एंड में पेस्ट कर देते हैं इसको। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से बैक आ जाना है, और यहाँ से क्या करना है, फिर से आपको अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, और अब आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट इमेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, फिर से अपने बीटमार प्रोजेक्ट पर चल जाना, और यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, इस आपका जो फर्स्ट इमेज रहेगा इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर इमेज रहेगा 9 सेकंड पे देख सकते हो जो आ रहा है इसको छोड़ देना है, फिर आपको आगे आना है, यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से फिर आपको ये आगे वाला जो है 12-13 सेकंड वाला इमेज को छोड़ना है, फिर आपको जो यहाँ पर 14 सेकंड पे ये इमेज मिलेगा इसमें आपको पेस्ट कर देना है इस इफेक्ट को, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो है 15 सेकंड वाला छोड़ देना है, फिर आपको 16 सेकंड वाला पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर है, फिर इसको छोड़ देना है, ठीक है।
तो इतना करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना होगा कि फिर से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको चल जाना है अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से अब आपको क्या करना है कि आपको सेकंड इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आप बैक आ जाना, उसके बाद अपने बीटमार्क प्रोजेक्ट पे चल जाना, और यहाँ से अब आपको क्या करना है कि आपको आगे आना है, और यहाँ पर जहाँ पर हमने पेस्ट नहीं किया था वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके फिर आपको आगे आना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको गाइस ये इफेक्ट को पेस्ट करना। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको, फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, तो इस तरह से गाइस यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर सब इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप सिंपली सब इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, ठीक है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि फिर से अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट ऑल लेयर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से तीन लेयर को अनटिक करना है, और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना, कॉपी सिक्स लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है, फिर बीटमार्क प्रोजेक्ट पे जाना, प्लस पे क्लिक करना, पेस्ट सिक्स लेयर कर देना, ठीक है। पेस्ट सिक्स लेयर करने के बाद आपको पूरा एंड तक आ जाना है, फिर आपको छः लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और पूरा एंड तक ले आना। तो गाइस देख सकते हो आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर वाले आइकन पे जाना है, क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।